जनरल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आई होप हमने इंटीजर से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए होंगे उसको पे आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे और एक्सरसाइज 6.1, 6.2 जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने किए होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था विजुअली आपकी क्लास में, तो आई होप कोई उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर होगा तो प्लीज़ पूछ लेना और आज हम फर्दर टॉपिक उसका कवर करेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक एंड प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्क्रीन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीजर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हमने प्रीवियस क्लास में आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ये स्लाइड जो आपके स्क्रीन पे शो कर रही है इसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हैं ये एग्जांपल्स कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इनके बीच में कैसे ऑपरेशन होता है ये हमने आपको बताया था। डबल निगेटिव बेस्ड हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे साथ में और उनको कैसे हम चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर अब हमारा क्या है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। व्हेन वी हैव टू साइन, वन इज निगेटिव एंड पॉजिटिव, तब हम उस केस में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे वहाँ पर हम कौन सा साइन प्लेस करते हैं, कैसे हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जब हमारे पास होते हैं तब हम क्या करते हैं देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 6 माइनस ब्रैकेट में प्लस 5। अब यहाँ पे साइन देख रहे होगे, प्लस और माइनस दो साइन है, साइन दिख रहा है, माइनस प्लस दो साइन यहाँ पर शो कर रहा है। प्रीवियस में हमने क्या देखा था, माइनस माइनस ये साइन था तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर ले रहे थे। इधर आपका माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस होता है, दोनों ही कंडीशन में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, दैट मीन्स हम वहाँ पे माइनस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे 6 माइनस प्लस 5 है, ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप में से क्या करेंगे, 6 ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना देंगे, माइनस 5। आंसर क्या आया, 1। आंसर क्या आया, 1। जब हमारा ये फाइनल आया तो इसको हम रेड और येलो बॉल जैसे भी आपको हमने बताया था आप वैसे कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, रेड बॉल फॉर माइनस और निगेटिव नंबर एंड येलो बॉल फॉर पॉजिटिव नंबर, येलो बॉल फॉर पॉजिटिव नंबर, हमको पॉजिटिव के 6 बॉल्स चाहिए, हमने दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट समझ लो या पेयर कर दिया, जिनका जिनका पेयर बना रहा उनको पेयर बना दिया। बचा कितना, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ एक बॉल बची वो भी येल्लो, येल्लो बॉल दैट मीन्स पॉजिटिव, येलो बॉल दैट मीन्स पॉजिटिव का 1। आंसर क्या आया, पॉजिटिव का 1, करेक्ट। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 प्लस -5। -3 तो आपका सिंगल -3 है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो ये प्लस और माइनस था हमारा, जो यहाँ पे प्लस और माइनस था, देखो ये प्लस प्लस ब्रैकेट में -5, तो ये प्लस और माइनस साइन जो था ये -5 में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, -5 में। देखो -3 -5 और जब हमने इसको ऐड किया तो -8। अब ये पोर्शन अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा है तो आप इसको फटाफट बॉल्स में डालो, बॉल में हमारे पास -3 है और -5 है, तो हम कौन सी बॉल लेंगे, रेड बॉल लेंगे। रेड बॉल पहले 3 बॉल्स लेते हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, 5 बॉल्स, और निगेटिव की है तो हमको रेड बॉल ही चाहिए, हमें कोई और बॉल नहीं चाहिए। अब हमारे पास टोटल कितनी बॉल हो गई, अब यहाँ पे पेयर तो हो नहीं रहा है, पेयर बन ही नहीं रहा है, तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल हो गई। और ये रेड बॉल, रेड शोज निगेटिव नंबर, दैट मीन्स 8 -8। आंसर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -8। डन, आंसर हमारा -8। तो आई होप कि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आप जब आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करना हो तो आप इजीली कर लोगे और पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करो। बाकी साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे।
नेक्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. हम नंबर लाइन की हेल्प से कैसे करते हैं यहाँ पे ये देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + 5. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 5. 2 + 5 कैसे 7 आता है ये तो हमको ईजिली पता है, लेकिन जब हमको नंबर लाइन में परफॉर्म करना होता है तो हम कैसे करते हैं. दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो ज़ीरो से पहले +2 चले, ये ब्लू लाइन शो कर रही है, 0 से +2, और फिर 2 से फिर इसमें कितना ऐड करना है, 5. तो 2 से फिर 5 ऐड कर दो, 2 से फिर 5 ऐड कर दो, 1, 2, 3, 4 and 5. और 0 से 2 तो हम पहले ही आ चुके थे, तो अभी कितना हो गया, अभी कितने जंप हमने किए आप काउंट करो, काउंट करो कितने जंप हमने किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फाइनली हम जिस नंबर पे पहुंचते हैं ना वही हमारा आंसर होता है. तो हमारा आंसर क्या है, 7. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 + 3. यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो राइट हैंड साइड में हम परफॉर्म करेंगे. ज़ीरो से जब हम +3 ऐड करेंगे तो हम सिक्स प्लस सिक्स ऐड करेंगे. पहले हम 6 स्टेप्स लेंगे, तो देखो हम 6 पे ऐसे गए, 6 पे हम आगे 6 जंप लेकर उसके बाद हमें कितना ऐड करना है, +3 ऐड करना है. तो हमने +3 ऐड कर दिया है. जितने भी यहाँ पे जंप है आप उसको काउंट करो, या जंप उस पर हम जहाँ पे जिस फाइनल नंबर पे पहुँचते हैं वही हमारा आंसर होता है, दैट इज 9. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्लाइड, -2 + -4. सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप खुद से सॉल्व कर लो, एक स्टेप आप उसे खुद से सॉल्व कर लो. -2 है, -2 तो -2 रहेगा, -2 को हम कुछ नहीं कर सकते, सिंगल है ये माइनस साइन के साथ. लेकिन प्लस और माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं. ठीक है, अभी हम जस्ट पहले पढ़े से प्रीवियस स्लाइड में पढ़े, प्लस और माइनस रहता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, हमने माइनस लिख दिया और 4 लिख दिया, ब्रैकेट खुल गया. पहले क्या है, -2, 0 से हम -2 दो बार जंप किए, ठीक है, माइनस है, दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमको निगेटिव नंबर मिलते हैं. फिर इसमें प्लस करना है, प्लस क्या करना है, -4. आपको यहाँ पर फटाफट ये चीज़ अपने आप अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा कि प्लस माइनस जहाँ पे साइन होता है वहाँ माइनस होता है, और माइनस होता है तो जब हम माइनस करते हैं तभी हम लेफ्ट हैंड साइड में, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तभी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, अगर हमको पॉजिटिव करना होता तो हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. इसलिए हम 4 स्टेप वापस से, यहाँ पर वापस से 4 स्टेप और जंप करेंगे, और फाइनली हम जहाँ पहुँचेंगे वो हमारा आंसर है, दैट इज़ -6. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडिशन विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 + -7. ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं. 11 + -7, आपको पता है जहाँ भी ये प्लस माइनस होता है ये रूल हमने पढ़ा है ना अभी आगे, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 11 - 7 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. 11 - 7 क्या आएगा, सॉल्व करो फटाफट, 11 - 7 दैट इज़ 4, +4. ओके, +4 हमारा आंसर. -380 + -270. ओके, नेक्स्ट स्टेप -380, ये प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा, दैट इज 270. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये भी माइनस की बॉल्स हैं, ये भी माइनस की बॉल है, दैट मीन्स ये भी रेड बॉल्स हैं और ये भी रेड बॉल्स हैं, है ना, ये रेड बॉल से शो होगा और ये भी रेड बॉल से शो होगा, दोनों रेड बॉल से शो होगा. कोई कलर की पेयरिंग हो रही है क्या, दोनों कलर में कोई पेयरिंग होके कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो हमको आंसर मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, रेड बॉल ही होगा. जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रेड बॉल होगा. तो 380 और 270 को जब हम ऐड करेंगे, 380 और 270 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 650. और ये रेड है, दैट मीन्स माइनस, तो आंसर क्या हुआ हमारा, हमारा आंसर हुआ माइनस का 650.
दैट इज आंसर. ओके, -7 प्लस -9 दैट इज -9 प्लस 4 प्लस 16. नेक्स्ट स्टेप, ये रेड बॉल है और ये भी रेड बॉल है, दोनों रेड बॉल है, दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो भी हमारा रेड बॉल होगा. माइनस का 15, माइनस माइनस को ऐड किया, माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है, ऐड किया 15 आया, प्लस प्लस को ऐड किया तो 20 आया. अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, होगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ही, 5 आएगा इसको सॉल्व करके. लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा डिजिट होगा, जो डिजिट बड़ा होगा वही साइन लगेगा. 20 बड़ा है, उसके सामने क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव 5 आएगा और ये आपका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन, 37 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में 65 प्लस ब्रैकेट में -8. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 37 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और फिर से प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा. ओके, देखो ये भी माइनस का 2 है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है. दैट मीन्स सिंपल कलर से समझो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सॉरी, रेड रेड रेड, सब रेड बॉल है. और अगर ये तीनों रेड बॉल है, तो ये तीनों रेड बॉल है, पेयरिंग हो नहीं रही है, तो इनका जो आंसर आएगा वो भी रेड बॉल होगा. दैट मीन्स आप इनको सीधे सीधे ऐड कर सकते हो, और साइन माइनस का ही होगा क्योंकि हमको निगेटिव वॉल ही शो करना है, रेड 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 है. तो 65 8 प्लस 2 आप साइड में सॉल्व करो, 65 8 प्लस 2 सॉल्व करोगे तो आपका 75 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आया 75, और क्योंकि रेड 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 है तो आंसर भी हमें रेड ही मिलेगा, तो -75 और उससे पहले 37. ठीक है, नॉर्मली जो आप परफॉर्म करते हो आप वो करोगे एडिशन, परफॉर्म करोगे 37 और 75 को आप ऐड करोगे और उसके बाद क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है. एक काम ये कर सकते हो, दूसरा काम, ये प्लस का 37 है और ये माइनस का 75 है. ठीक है, तो आप सिंपली इसको 75 37 को फटाफट माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना है, सब्सट्रैक्शन होना है. आपने माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस 7 गया तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ, 8 या एंड यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 हमें आंसर जो मिलेगा वो 38. और क्योंकि 38 और साइन किस कौन से नंबर का बड़ा है, 75 हमारा ग्रेटर नंबर है और उसका साइन निगेटिव है, तो उसी का साइन हम यहाँ लगाएंगे, दैट इज -38. ओके, तो ये आपका -38 क्या होगा, -38 आपका, -38 क्या है आपका आंसर. डन. सो आई होप कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो भी हमने सॉल्व किया, जो भी मेथड्स दिखाए, वो आपको समझ में आए होंगे. क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे सम आपको इजीली समझ में आएंगे. जहाँ पर जैसे हमने रेड और येलो जो भी बॉल्स और कलर्स का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, प्लीज़ वैसे ही सॉल्व करो पूरे क्वेश्चंस ईजिली. आप कोई भी इसके जो भी इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे. प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की तो इंटीजर्स आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, इसके सम्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे. ओके, सो टिल देन हैव फन, एंजॉय योर सम्स एंड स्टे एट योर होम. जय नारायण.